अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी जो है मैं आपके लिए जो है रिश्ता एक लेकर आया हूँ, जो कि खातून है जिनका ये रिश्ता है। उनकी उम्र जो है इस वक्त वो 47 ईयर्स है, यानी कि 47 साल उम्र है। तो खातून जो है 47 साल उम्र है और ये एक जो है तलाक़ याफ्ता खातून है। एक बेटी है जिसकी शादी कर चुकी हैं। अभी जो है तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है बेटी की शादी इन्होंने कर दी है। शोहर से अलहदा हुए इनको जो है तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो ये जो खातून हैं इनका नाम है मुबीना बीबी। तो मुबीना जो है 48 साल उम्र है। तो इस वक्त जो है ये लाहौर सिटी में रहती हैं, अपना ज़ाती घर है। पढ़ी लिखी खातून है, इनकी तालीम BA है और अपना कारोबार करती हैं। अपना जो है अच्छा खासा इनका बिजनेस है। तो वो जो है बिजनेस को जो है चला रही हैं, अच्छी खासी आमदन है, अपना घर है, गाड़ी भी है। तो इनका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है। तो ये जो खातून हैं इनके जो वालिद साहब हैं मोहम्मद अशरफ साहब, वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की जो है दोबारा से शादी कर दें। तो उसी उन्हीं के कहने पर जो है बार बार इसरार करने पर ये जो है शादी के लिए मान गई हैं। तो इनकी जो डिमांड है लड़के के अबाउट, मर्द के अबाउट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लड़का जो हो यानी कि मर्द जो हो उसकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो, 50 साल से ज़्यादा ना हो, और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हो। तो इसके अलावा जो है अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, अच्छे ख़ानदान से होना चाहिए। और ताकि जो है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो इनको जो है ये फ़ायदा है कि इनके कारोबार में जो है वो हेल्प कर हो सकेगी। तो इसलिए जो है वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों तो वो जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा इनकी कोई ऐसी ख़ास शर्त नहीं है। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे मिलना, बात करना शादी के अबाउट, तो वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।